श्री गणेशाय नमः। अजय एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल में एक समय में कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। सत्युग में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी पत्नी पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से वह सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करता था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। इस बीच राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। शव्या रानी द्वारा शमशान पर लाए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने शव्या से शमशान का कर मांगा, पर असहाय शव्या के पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी चुनरी की कोर को चीर कर शमशान का कर चुकाया। सत्य तथा व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र के सत्य की बहुत प्रशंसा की और स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान की कृपा से राजा का पुत्र जीवित हो गया और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा और एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य भी मिल गया। फिर वह तीनों चिरकाल तक राजसी सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, यह सब अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य पूरे मन के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वे सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे।